हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको एक इतना अच्छा स्किन केयर रूटीन बताने वाली हूँ ना, जो कि आपके चेहरे से डार्क स्पॉट्स, काले डार्क धब्बे हटाएगा, अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा टाइट करेगा, ब्राइट करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा चमकदार बनाएगा। क्योंकि इतना ईजी है ना, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हमेशा आपके लिए घर की ही चीज़ों से आपकी मैं होम रेमेडीज़ ऐसी लाऊं जो कि आपको पार्लर जाने की जरूरत ही ना पड़े। ट्रस्ट में आपको कभी भी, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना आपने, तो कभी भी आपको पार्लर कोई भी बाहर से क्रीम पाउडर लोशन कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि मैं पहले अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब का आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, कोई पछतावा नहीं होगा, आपको अच्छी अच्छी रेमेडीज़ ही मिलेगी आप मेरे चैनल पर। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना, जो घंटी है, उसे भी प्रेस कर देना ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस के हैं ना आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फ्रेंड, ये स्किन केयर रूटीन हम स्टार्ट करते हैं। और पहले बता देती हूँ ये स्किन केयर रूटीन किस किस एज ग्रुप के लिए है। अगर आप टीनएजर है ना तो भी आपके लिए बहुत अच्छा, अगर आपके फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, और अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, आपकी स्किन पे एक अच्छा सा ग्लो आ जाए और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाए, तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमको सिर्फ 3 से 4 चीज़ें चाहिए जो कि हर किसी घर में होता ही है। तो सबसे पहले चीज़ जो है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी क्या करती है, हमारे चेहरे से एक्सेस और ज़्यादा ऑयल को निकालती है, चेहरे के जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उस पर काम करती है, चेहरे के पोर्स को टाइट करती है और हमारे चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, गोरा निखरा और बेदाग बनाती है, बहुत ज़्यादा चमकदार बनाती है, स्किन को टाइट करती है। स्किन अगर आपकी बहुत ज़्यादा लूज हो गई है ना, उसे टाइट करती है, ठीक है। पर अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तो आप इसको लगाने के बाद कुछ भी ऑयल या मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं या इसी में कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। और जो फ्रेंड हमारा दूसरा इन्ग्रीडियंट है वो है दही। देख सकते हैं आप, दही मैंने घर पर जमाई है। दही, दही का मैंने जो है पानी वो निकाल दिया है, वैसे मैं दही लेनी है। इससे क्या होगा, दही हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करती है, ये जितने भी हमारे फेस पे एंटी एजिंग का काम करती है, क्योंकि इसमें होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारे चेहरे के रंग को बहुत ज़्यादा गोरा बनाता है, चेहरे की रंगत को दुगुना करता है, तिगुना करता है, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे, ठीक है। 1 से 2 बार तो कुछ भी आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा, आप 1 महीना रेगुलर लगाएंगे तब आपको अपनी स्किन पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि नेचुरल रेमेडीज़ क्या करती है, काम करती है पर थोड़ा सा उसका टाइम लगता है। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच दही और इसमें हम डालेंगे मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून दही और एक हम चम्मच डालेंगे भर के मुल्तानी मिट्टी। हम उससे बहुत सारे लोग बोलेंगे मुल्तानी मिट्टी कौन से ब्रांड के लिए, ब्रांड आप किसी भी कंपनी की मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, ये पत्थर भी आता है, आप वैसा भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें डाल दूँगी मुल्तानी मिट्टी, अच्छे से मिक्स कर देंगे हम इसको। हम इसमें डालेंगे लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। नींबू का रस बहुत अच्छा होता है, चेहरे से जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी ये रिमूव करता है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है और ये भी हमारे चेहरे के काले दाग धब्बों को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मैं डालूंगी 6 से 7 ड्रॉप्स लेमन जूस। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें लेमन जूस सूट नहीं करता, तो आप लेमन जूस की जगह टमाटर का रस यानी कि टमाटो जूस भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा एक पेस्ट तैयार हो गया है, हमको ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, इसको अच्छे से मैं इसे मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं इसको, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए, अभी मेरे फेस पे मेकअप नहीं है किसी भी तरीके का, मैंने अपना फेस बिल्कुल साफ़ कर लिया था। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस पैक को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कि इसे हम कैसे अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, आप अपने बाल अच्छे से बांध लें या चूड़ा बना लें। मैं यहाँ पे मैं बाल ऐसे ही रफली टाई अप कर रही हूँ, तो ये मैं अपने बाल अच्छे से मैं टाई अप कर रही हूँ। और इसके बाद क्या करूँगी मैं, अपने देख सकते हैं फेस पे किसी तरीके का मेरा मेकअप नहीं है, फेस बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी मेकअप नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं अपने फेस पे अच्छे से लगाऊँगी मसाज करते हुए। मसाज आपने करनी है 2 से 3 मिनट तक। तो ये मैं मसाज करूँगी अपने फेस पे अच्छे से।
चाहे तो अपने नेक पे भी इसे अच्छे से मसाज कर सकते हैं, क्योंकि नेक भी बहुत ज़्यादा काली हो जाती है बहुत सारे लोगों की। तो इसको मैं अच्छे से मसाज मैंने किया है, मेरे को कम से कम 5 मिनट से मैंने अच्छे से मसाज किया है। कुछ मैं आपको एंटी एजिंग स्टेप्स बता रही हूँ जिससे कि आपकी स्किन होगी बहुत ज़्यादा टाइट। और आप चाहते हैं एंटी एजिंग मसाज, क्योंकि अगर आप 30+ है, एक एंटी एजिंग मसाज जिससे कि आपके फेशियल मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, तो मुझे ज़रूर बताना, उसके लिए मैं बहुत अच्छे से आपके लिए मैं वो रेमेडी बनाऊंगी। तो चलिए, ये मैंने अच्छे से अपने फेस पे लगा लिया है और आप देख सकते हैं जितनी भी मुल्तानी मिट्टी थी मैं स्किन ने अब्सॉर्ब कर ली है। और अब इसको हम क्या करेंगे, अपने स्किन पे ड्राई होने देंगे। तो चलिए, अच्छे से लग चुका है, अब इसे हम ड्राई होने देंगे और इसके बाद हम करेंगे दूसरा प्रोसेस। तो चलिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरा फेस पैक अच्छे से सूख चुका है, जैसे कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है मुझे, क्योंकि आपको पता है मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा स्किन को टाइट करती है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करती है और चेहरे के वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करती है। तो चलिए, अब ये टाइट हो चुका है, अब मैं क्या करूँगी, इसे वॉश कर दूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका दूसरा स्टेप कौन सा है। तो चलिए, मैं इसे वॉश करके आती हूँ। और मेरे चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आ चुका है, आप देख सकते हैं विदाउट एनी मेकअप स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, मेरी स्किन ब्राइट लग रही है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है। आप इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई करना, रात को सोने से पहले ये पैक लगाएं और इस पैक को ना आप 3 से 4 दिन तक फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलिए, हम देखते हैं कि हमारा दूसरा स्टेप कौन सा है। बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग सीरम बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, सीरम मॉइस्चराइजर एलोवेरा ना सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। आप चाहे 500 का मॉइस्चराइज़र लाएं, चाहे 1000 का लाएं, इसके आगे ना सब मॉइस्चराइजिंग क्रीम सब फेल है, सब बिल्कुल। अगर आपके पास फ्रेश है ना, तो आप फ्रेश से बेटर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश नहीं है, तो मैं इसी से ही काम चला रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया थोड़ा सा एलोवेरा जेल, थोड़ा सा लिया मैंने, ठीक है, जितना आपके फेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें हमने डाला है बादाम का तेल, बिल्कुल। अब यहाँ पे स्किन टाइप की बात आती है, तो मेरी स्किन टाइप है नॉर्मल, और बहुत सारी स्किन ऑयली होती है, तो आप इसमें बिल्कुल ही 2 से 3 बूंद डालें, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 ड्रॉप्स डाली। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप क्या करें, इसमें 4 से 5 ड्रॉप डालें। अब मैंने दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया अपने हैंड्स पे ही और अपने फेस पे अच्छे से लगा लिया पूरे फेस पे। ये हो गया हमारा एक एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन। या आप कोई भी एज ग्रुप के, जरूरी नहीं कि मैंने एंटी एजिंग बोला तो आप एज आपकी ज़्यादा है तो आप तभी लगा सकते हैं, नहीं, आप कभी भी इसको कोई से भी एज ग्रुप के ना तो आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कोई स्किन पे मेकअप नहीं है मेरा, बिल्कुल स्किन बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसी स्किन आपको चाहिए तो आज से ही इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम विदाउट मेकअप भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। तो आप देख सकते हैं कोई स्किन पे मेकअप नहीं है, बाल भी जुड़ा, कोई ऐसा नहीं कि मेरे बाल खुले हुए हैं, सब कुछ बस स्किन आप देख सकते हैं, कोई भी आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरी स्किन पे। तो फ्रेंड, आई होप मेरा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये स्किन केयर रूटीन है, एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन। अगर आपको स्किन आपको टाइट करनी है, आपकी स्किन को ब्राइट करनी है, आपकी स्किन पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, ज़रूर ट्राई करना। बेशक आप सुबह कुछ भी मत करें, पर रात को एक अच्छा स्किन केयर फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारी स्किन, जितना भी हम सुबह बाहर रात को हम जो बाहर जाते हैं धूप में जाते हैं, धूल मिट्टी वगैरह, उससे हमारी स्किन डैमेज होने लगती है। और अगर हम प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करेंगे ना, तो आप वक्त से पहले ही एजेड दिखने लगेंगे। और अगर आप अच्छा स्किन केयर फॉलो करेंगे ना, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आई होप मेरा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इस वीडियो को भर भर के लाइक करना अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा आप इन यूजफुल है आप सबके लिए। तो चलिए, मैं मिलती हूँ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।